जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी, बताओ आज मन में क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे दोस्त की। उन लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और देखा जाए तो मेरे दोस्त की गलती ही क्या थी, वो तो उस लड़की से प्यार करता था और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। आखिर हम लोग कब तक ये जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में अटके रहेंगे? हनुमान जी आखिर कब तक? बजरंगी, मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मुझे तो अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बस इतना समझ लीजिए कि मैं मान सम्मान और परंपराओं में ऐसा भटका हुआ था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं और इसीलिए आज आप लोगों के सामने मैं इस रिश्ते को मंजूरी देता हूं। मैं बहुत जल्दी ही मास्टर जी के पास जाकर उनके बेटे संदीप के साथ अपनी बेटी बिंदिया के रिश्ते की बात करूंगा। वाह ठाकुर साहब, आप ये जो करने जा रहे हैं उससे आपका सम्मान हमारी नजरों में और बढ़ गया है। आपकी दरिया दिली के हम सब कायल हो गए। अब जब आपने ये कदम उठाने का निर्णय ले ही लिया है तो हम सब भी आपसे वादा करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम सब आपकी पूरी मदद करेंगे और ये इलेक्शन आपको जितवा कर रहेंगे। क्यों भाइयों? बस देख लीजिए, एक ओर मैं इलेक्शन जीतूंगा और दूसरी ओर मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। बिंदिया, बिंदिया, पोंछ डाल अपने इन आंखों के आंसुओं को। अब तो तुम्हारी खुशी के दिन आए हैं। भगवान ने हमारी सुन ली है। तेरे बाबूजी तुम्हारे और संदीप के रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। क्या क्या कह रहे माँ, मान गए? हाँ बिंदिया, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ। वो सरपंच जी और गांव वालों से कह रहे थे इलेक्शन के बाद तुम्हारी और संदीप की शादी कर देंगे। हाँ। बिंदिया, तुम्हारे प्यार की जीत हुई। चल, जल्दी से ये खुशखबरी संदीप को भी सुना दे, वो कितना खुश होगा ना। सुना दे चल। हेलो संदीप। हेलो संदीप, आज जो मैं तुम्हें खबर सुनाने जा रही हूँ तुम यकीन ही नहीं करोगे। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि बाबूजी हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। क्या तुम्हारे बाबूजी मान गए? हाँ संदीप, बाबूजी हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन कैसे? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, आखिर कैसे मान गए आप? क्यों हार कर दी इस रिश्ते की? विक्रम, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आधी के दाग खाने के और दिखाने के और होते हैं बेटा। ये दरिया दिली तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी 10 दिन के बाद इलेक्शन है। अगर गांव वालों के आगे दरिया दिली का दाना नहीं डालूंगा तो वो मुझे वोट कैसे देंगे? और फिर एक बार इलेक्शन जीत जाऊं उसके बाद काहे की शादी? इस लड़की ने हमारे नाम की बहुत बेइज्जती की है, बस आखिरी बार इसका फायदा उठा लूं, उसके बाद इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। वाह बाबूजी, क्या चाल खेली है आपने। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा बाप जो हूं। ये कमरे से बाहर कैसे आई? विक्रम पकड़ो इसे। मैं सबको बता दूंगी
कि आप लोग क्या करने वाले हैं। छोड़ो, इसने हमारी बातें सुन ली हैं, कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए, ले जाओ इसे। चल, छोड़ो, चल, छोड़ दो, चल, आजी, छोड़ो, चल, क्या? आज तक तू इस कमरे में बंद, तब तक के लिए, जब तक बाबूजी इलेक्शन नहीं जीत जाते, उसके बाद हम तुझे प्यार करने की वो सजा देंगे जो प्यार करने वालों के लिए एक सबक होगा। लोग अपने स्वार्थ, अपने झूठे मान सम्मान के नाम पर किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चे किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। तू अलग घर छोड़ के भाग जा, चाले अपनी जान बिंदिया, बचा ले अपनी जान। इस बार तो चुनाव हम ही जीतेंगे। इधर ही तो आई थी, किधर गई? चलो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
जय श्री राम। अरे सुनिए, अरे भाई साहब, आप ठाकुर दीनदयाल सिंह जी के लड़के विक्रम सिंह जी है ना? अरे हमें पहचाने नहीं? अरे हम मिनिस्टर ज्वाला प्रसाद जी के पीए हैं। हाँ, अब आप तो जानते ही हैं कि कल मिनिस्टर साहब गांव आ रहे हैं, वही सारा का सारा इंतजाम देखने के लिए हम चले आए। अब सरपंच जी से जाके मिलेंगे और उसके बाद आपके पिताजी के पास भी आएंगे। भाई इलेक्शन आ रहे हैं तो हालचाल तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन आप लोग ये तलवार लेके किसे ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। आप घर आइए, फिर बहुत सारी बातचीत होगी। अच्छा, अब चलते हैं। अरे लेकिन आपका घर तो इस तरफ है ना? अरे इतनी रात को कहाँ जाएंगे, घर ही जाइए। कहिए तो मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा अच्छा, जय राम जी की। बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए। अरे घबराइए नहीं, आ जाइए। अब आप सुरक्षित हैं, हम आ गए। उन्हें अब किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। अगर उनके लिए अब कुछ बाकी रह गया है तो वो है उनका अपना झूठा मान सम्मान और अपना घिनौना स्वार्थ, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और उसी में अंधे होकर वो मुझे अपने इलेक्शन की बलि चढ़ाना चाहते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक न एक दिन वो लोग मुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे और फिर वो मुझे मार डालेंगे। देखो, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें आज ही रात यहाँ से कहीं दूर लेके चला जाऊंगा। और कहाँ जाएंगे भैया आप, हैं? और कहाँ तक भागेंगे और कब तक भागेंगे ये बताइए जरा। बुराई से दूर भागने से बुराई खत्म नहीं होती। अगर बुराई को खत्म करना है ना तो उसका मुकाबला किया जाता है। और जहां तक बात रही आपके पिताजी की, तो उनको भी सबक सिखाने का एक रास्ता है हमारे पास। चलिए, हम आपका साथ देंगे और उनकी असलियत सारे गांव के सामने भी ले। लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? अरे भैया, हमारा नाम तिवारी ऐसे नहीं है। तुम बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। बस हम जैसा कहें वैसा तुम करते जाओ। अब बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये बात हुई ना? तुम्हारी वजह से वो लड़की यहां से निकल के गई है, तुम्हीं ने उसे बाहर निकाला है ना? लेकिन एक बात समझ लेना कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? इतने घंटे हो गए और तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें मालूम है अगर उसने गांव वालों के सामने हमारी पोल खोल दी तो क्या होगा? सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे जाओ, कैसे भी करके उसे ढूंढो। जाओ, मेरा शकल क्या देख रहे हो, जाओ। ठाकुर साहब, किसे ढूंढने की बात हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अंदर आइए ना तिवारी जी। आइए आइए, अंदर आइए। भाऊजी, ये मंत्री जी के पीए हैं। कल मिनिस्टर साहब का गांव में प्रोग्राम है, इसलिए अरेंजमेंट के लिए आए हैं। अब आया हूं तो मां जी से तो मिलके ही जाऊं।
नमस्ते माँ जी, अब आए हैं तो आपके हाथ की चाय पी के ही जाएंगे। अरे ये तो बिंदिया की चेन है, इसका मतलब बिंदिया इनके साथ ही है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आइए आइए बैठिए। और बताइए मिनिस्टर साहब कैसे हैं? मिनिस्टर साहब तो ठीक हैं, बस आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी को लेकर परेशान हैं। अब ये तो भला हो भगवान का कि भागते भागते वो मुझसे टकरा गए। उसने मुझे सारी की सारी बात बता दी है। कहाँ है? मुझे उसकी जरूरत है। देखिए मैंने उसे एक जगह छिपा के रखा है। मैं आपकी मदद करने के लिए आया। आप एक काम की, आप गांव वालों के सो जाने के बाद वो मंदिर के पास जो जगह है वहां आ जाए। बस मैं आपको आपकी बेटी सौंप दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तिवारी जी कहाँ है? वो अंदर है, वो लड़का भी वहीं है। इसे इधर क्यों लेके आया? उधर ले जाके गोली मारो, खत्म कर। क्यों क्यों बाबूजी, क्यों क्यों मार डालना चाहते आप हम दोनों को? आखिर हमारा कसूर क्या है बताइए? क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे पैदा किया था? क्या ये अंजाम देने के लिए आपने मुझे गोद में खिलाया था? बचपन में जब मुझे छोटी सी चोट लग जाती थी तो आप सारा घर सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज आज आप मुझे मार डालना चाहते। और भैया आप, आपके हाथ पर तो मैं राखी बांधती हूँ और आप मुझे मेरी रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन आज आज आप अपने उन्हीं हाथों को मेरे खून से रंगना चाहते। क्यों बोलिए, जवाब दीजिए, क्यों? क्योंकि तुमने सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। बाबूजी अगर आप इतनी ही नफरत करते थे तो आज गांव वालों के सामने आप मेरी और संदीप की शादी के लिए राजी क्यों हो गए? वो तो हमारा नाटक था। हाँ नाटक, हम तो ये दरिया दिली इसलिए दिखा रहे थे कि गांव वालों के वोट पाए और चुनाव आराम से जीते, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी इस मास्टर के लड़के के साथ करने के लिए मैं राजी हो जाता? कभी नहीं। मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार की मान मर्यादा और परंपराओं के साथ धोखा नहीं कर सकता, समझी? हम देख क्या रहे हो, ले जाओ गोली मार दो इन्हें। ठाकुर साहब, अभी तक आपका खेल चल रहा था और मैं देख रहा था, अब मेरा खेल चलेगा और आप देखिए।
आपको क्या लगता है इस घिनौने अपराध में मैं आपका साथ दूंगा? ठाकुर साहब अपने इस मान सम्मान और झूठी इज्जत को बचाने के लिए और कितना गिरेंगे आप? ये लड़की आपको इतना चाहती है और आप आज आपने साबित कर दिया कि आप लोग किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। सच कहा बेटा तुमने, ये लोग किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ जो तुमने हमें पहले ही बता दिया और हम उसी रास्ते पर चले और इन मासूमों की जान बच गई। नहीं तो पता नहीं ये लोग इन्हें कभी मार देते। ठाकुर साहब, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पूरे समाज को शर्मसार किया है। आप हमें बेवकूफ बनाकर इलेक्शन में वोट चाह रहे थे। आपका इलेक्शन जेल की सलाखों के पीछे होगा। हाँ, और हम सब पुलिस के सामने गवाही देंगे कि किस तरह आपने अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सब मेरे बाबूजी को माफ कर दीजिए। ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरे भैया हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई भी है तो क्या हुआ, मैं इन्हें माफ करती हूँ। अब आप लोग भी इन्हें माफ कर दीजिए। देखा ठाकुर साहब, जिस लड़की से आप इतनी नफरत करते हैं, जिसकी जान आप लेना चाहते हैं, वही आज आपको माफ कर रहे हैं। बिंदिया बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। बाबूजी, तो क्या समझे बजरंगी, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। बजरंगी, ये हर नफरत हर दीवार को खत्म कर सकता है। बजरंगी, तुम्हें राजा बाली का प्रसंग याद है? लेकिन फिर भगवान श्री राम ने उसके सीने के नफरत को खत्म कर दिया। बजरंगी, फिर राजा बाली ने प्राण छोड़ने के समय प्रभु श्री राम का ही स्मरण किया। उसने बोला, प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो। तुम भी मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें नफरत और द्वेष से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे चरित्र को भ्रष्ट कर देता है।